हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। हमारा जो लेक्चर की सीरीज़ अभी चल रही है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही है। इसका एक लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है जिसमें ज़्यादातर इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने कवर किया था। उसी इंट्रोडक्टरी पार्ट को बहुत जल्दी से रिकैप करेंगे और फिर आज आगे का टेक्निकल सेशन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, लास्ट टाइम कल हमने जो लेक्चर देखा था उसमें हमारा क्या था कि हमने 5-6 पार्ट्स उसमें डिस्कस किए थे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। पहली पोर्शन जो हमने देखा था वो देखे थे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में हमने देखा था ये पूरा स्पेक्ट्रम हमने तैयार किया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, जिसमें गामा रेज, एक्स रेज, यूवी विजिबल रेज, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स को हमने अरेंज किया हुआ है। ये अरेंजमेंट किस तरीके से है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लैम्डा के हिसाब से या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से। कहने का मतलब एनर्जी और वेवलेंथ दोनों के हिसाब से इनको अरेंज करके देखें तो सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ इसकी थी और सबसे हाईएस्ट एनर्जी बच्चों गामा रेज की देखते हैं हम लोग। तो इस चीज को देखने के लिए हम लोगों ने एक प्लैंक कांस्टेंट वाला फॉर्मूला भी इसमें डिस्कस किया था, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, जहां पे एच प्लैंक कांस्टेंट, ई एनर्जी, लैम्डा वेवलेंथ और सी लाइट स्पीड ऑफ लाइट है। तो इस फॉर्मूले के बेसिस में हम लोग इसको देख सकते हैं कि एनर्जी और वेवलेंथ में किस तरीके से एक दूसरे में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, वही चीज यहाँ पे देखने को मिली थी। थर्ड पोर्शन में हमने जो डिस्कस किया था, हमने देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, इसमें यूवी विजिबल जो रेंज हमने देखी थी वो 180 से 780 नैनोमीटर की रेंज थी। इसके बीच में जितना भी लाइट आएगी वो यूवी और विजिबल की होगी। हल्का सा अगर एक लाइन खींच करके इसके बीच में देखना चाह रहे हैं आप तो 380 नैनोमीटर में एक रेंज है जिससे नीचे यूवी लाइट्स होंगी और 380 से 780 की रीजन में जो लाइट होगी वो विजिबल लाइट होगी। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो यूवी और विजिबल को भी एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। इसमें जो विजिबल रीजन है जो कि 380 से 780 नैनोमीटर में माना जाता है अक्सर, उसको अगेन अगर हम देखें तो वो अलग अलग लाइट्स में या अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है, जिसे हम विब गियर से लिखते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये इनकी वेवलेंथ होती है। तो आप देखेंगे कि रेड वाली जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट वाली की सबसे कम वेवलेंथ होती है। तो इस बात को समझने के बाद नेक्स्ट बात हमने देखी थी प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहाँ पे हमने लिखा था कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर स्टेट दे मूव्स टू द हायर एनर्जी स्टेट। तो इसको हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहा था और इसके लिए एक एब्जॉर्प्शन लॉ बना था जो कि लैम्बर्ट और बियर के लॉ को जोड़ करके बना था, जिसका जो सार था वो था ए इज इक्वल टू ई सी एल, जहाँ पे ए एब्जॉर्प्शन था, E एक कांस्टेंट है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट, L लेंथ ऑफ द पाथ या फिर सॉल्यूशन मीडियम जो है उसकी थिकनेस है जो कि अक्सर 1 होती है, तो ये C मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और एब्जॉर्बेंस, इन दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बनाने के लिए एक फॉर्मूला प्रपोज किया था लैम्बर्ट और बियर ने। इसके बाद नेक्स्ट 2-3 टर्म्स हमने पढ़े थे, क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम्स, वो सारी यूनिट्स जो कि उनके अंदर होती है, किसी कंपाउंड के अंदर होती है जिसके कारण वो यूवी या विजिबल रीजन में एक्टिव रहता है, तो उसे क्रोमोफोरिक यूनिट कहते हैं, उन्हें क्रोमोफोर्स कहते हैं। और ऐसे क्रोमोफोर्स जो इंडिविजुअल या फिर अपने आप में तो कोई यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन नहीं दिखाते, पर जब उन्हें क्रोमोफोर्स के कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है तो वो एब्जॉर्बेंस को बढ़ा देते हैं, तो ऐसे लोगों को हमने ऑक्सोक्रोम्स कहा था बच्चों। नेक्स्ट हमने 4-5 टेक्निकल टर्म्स भी इसमें सीखे थे, जिसमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट या फिर रेड शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या फिर ब्लू शिफ्ट, हाइपो एंड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट देखी थी, जहां वेवलेंथ और इंटेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज होते हुए हम लोगों ने देखा था। तो ये तो हमारा रिकैप था बच्चों। इसके बाद आज जो है थोड़ा टेक्निकल और डिस्कशन होना है इसमें, ताकि आप लोगों को यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसके उसमें यूज होने वाला स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखने को मिले, सीखने को मिले। तो इसमें जो सबसे पहला टर्म है वह है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। पहला टर्म जो है इसमें वह है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। देखिए, ये पॉइंट कल भी थोड़ा हल्का सा डिटेल में हल्का सा डिस्कस हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सामान्य रूप में, जिन इलेक्ट्रॉनों ने ये एब्जॉर्प्शन दिखाना है वो सामान्य रूप में क्या होते हैं, अपने ग्राउंड स्टेट में होते हैं, ठीक है। और जैसे ही उन पर लाइट पड़ती है
जो रेडिएशन पड़ती है वो लाइट को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में मूव कर देते हैं। कहने का मतलब एनर्जी में एक डिफरेंस आ जाता है। ये डिफरेंस कितना होता है? जितना उन्होंने लाइट एब्जॉर्ब की होती है। तो इस एब्जॉर्ब लाइट से क्या देखने को मिलता है? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब माइग्रेशन। यू कैन इमेजिन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर ग्राउंड स्टेट टू द हायर एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ये यहां से जंप करके यहां पे चले गया, तो आप इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में यूज होने वाली एनर्जी या फिर यूज होने वाली जो लाइट है उसकी एनर्जी, देखिए यूवी विजिबल रीजन में पड़ने वाली लाइट की एनर्जी के बराबर होती है, जिसको हमने अभी स्पेक्ट्रम में देखा था कि ये काफ़ी अधिक होती है ना। अगर हम इसको कंपेयर करें किसी आईआर की रीजन से या माइक्रोवेव के या रेडियोवेव के रीजन से करें, तो उन सब के रीजन से में पड़ने वाली लाइट की एनर्जी से अधिक एनर्जी किसकी होती है? यूवी और विजिबल रीजन की एनर्जी। तो इस एनर्जी को लेकर के ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और ये एनर्जी थोड़ा ज़्यादा है, मतलब ये काफ़ी अधिक है, ये बहुत कम नहीं है, है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटमेंट होता है तो इसके साथ एक दो छोटे मोटे एक्साइटमेंट और हो जाते हैं। एक एक्साइटमेंट इसके साथ होता है वाइब्रेशनल एक्साइटमेंट, और एक इसके साथ एक्साइटमेंट होता है बच्चों रोटेशनल रोटेशनल एक्साइटमेंट। ये बातें आप लोगों को टेक्निकली समझ, मैं बिल्कुल क्लू दे देता हूं ताकि आप लोग समझ सकें। वाइब्रेशन और रोटेशन दो और फिनोमिना होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनों का अपने ग्राउंड स्टेट से अपने एक्साइटेड स्टेट में चले जाना होता है। इसके अलावा कभी कभी इलेक्ट्रॉन इतना ऊंचा तो जंप नहीं कर पाता, मगर वो अपनी मॉलिकुलर अपने वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में ही क्या करता है? वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो इस तरीके के फिनोमिना जो है वाइब्रेशनल एक्साइटेशन कहलाते हैं। और कभी कभी ये एनर्जी थोड़ा और कम रहती है तो ये अपने वाइब्रेशन से भी नीचे, मतलब रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर ही जो है ना ट्रांजिट कर पाते हैं, इन्हें रोटेशनल एनर्जी ट्रांजिशंस कहते हैं। तो इस जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है या जो ये जो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट है, इसके अंदर ये दोनों चीजें स्वतः ही हो जाती है। कहने का मतलब है कि यह एनर्जी इतनी अधिक है कि इस एनर्जी के साथ ये दोनों एनर्जीज तो खुद ही हो जाती हैं। इसलिए अगर आप देखें तो इससे मिलने वाला स्पेक्ट्रा जो होता है हमेशा एक शार्प पीक की तरह नहीं होता, ठीक है। अगर हम यूवी विजिबल को स्पेक्ट्रा ड्रॉ करें तो वो स्पेक्ट्रा हमेशा एक हम्प की तरह होता है, एक हम्प की तरह होता है, ठीक है ना। इसका हालांकि हम लोग एक प्रेजेंटेशन आपको इसमें स्लाइड में डाल करके आगे थोड़ी देर में दिखा देंगे कि ये किस तरीके से इसका स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया जा सकता है, मगर ये एक बहुत शार्प लाइन ना होकर के इसके सिग्नल्स जो आते हैं वो एक हम्प की फॉर्म में आते हैं। और कारण इसका यही है कि केवल इलेक्ट्रॉन का एकमात्र ट्रांजिशन ही इसमें रिकॉर्ड नहीं होता। ये एनर्जी इतनी अधिक है कि इसमें ट्रांजिशन के साथ साथ वाइब्रेशन और रोटेशन जैसे छोटे मोटे एक्साइटमेंट भी इसमें रिकॉर्ड हो जाते हैं, और विद द रिजल्ट जो हमारे को स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होता है वो एक शार्प ना होकर के एक मतलब एक रेंज में लाई करता है, वो एक लंबे से रीजन में लाई करता है। इसको हम्प की तरह हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं बच्चों। तो एक बात तो आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी थी, बहुत टेक्निकल पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट डिस्कस हमें करना है इसके अंदर वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है बच्चों, ये कितने टाइप के होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के हिसाब से इसमें अगर मैं लिख दूं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो ये एक डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन बच्चों आपका बन जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो होता है वो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप करता है, मगर यहाँ पे ये डिस्कस नहीं हो रहा है कि कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन है जो कि जंप कर रहा है। तो हम लोगों को पता है, हमने क्रोमोफोरिक यूनिट्स में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं जो जंप कर पाते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को तीन तरीके के इलेक्ट्रॉन्स बताए हैं जिनके लिए एक्साइटमेंट हो पाता है, ठीक है। तीन इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, एक होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, और एक होते हैं एन इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों ये चीजें आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत बार पढ़ी होगी। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स, कहने का मतलब जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है उनके अंदर जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक्स और वाई के बीच में अगर एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन जो इनकी शेयरिंग के हैं, इनका नाम सिग्मा इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है ना। तो एक तरीके के इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे तरीके के पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स के केस में डबल बॉन्ड वाले या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर मैं एक्स डबल बॉन्ड वाई बना दूं तो इसमें जो दूसरा बॉन्ड है, मतलब एक बॉन्ड तो इसमें सिग्मा ही बॉन्ड है, दूसरा वाला बॉन्ड जो है ना वो पाई इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड है, तो ये इसको पाई बॉन्ड कहते हैं या फिर इनको पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और एक और एन से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, इसको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आप लोगों ने अक्सर इसको इस तरीके से देखा होगा, जैसे नाइट्रोजन के ऊपर बहुत बार हम लोग लोन पेयर देखते हैं, तो इस तरीके के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन इलेक्ट्रॉन्सों को क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये तीन तरीके के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अक्सर, जो कि बॉन्डिंग स्टेट में होते हैं और वहां से वो अपनी एंटिंग बॉन्डिंग स्टेट्स में क्या करते हैं, जंप करते हैं। तो ये जो जंप है इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स का है। अब देखिए इन तीनों इलेक्ट्रॉनों के जंप करने से किस तरीके से चार पैटर्न हमारे को मिलते हैं, तो चार तरीके के जो वो पैटर्न्स हमारे को ऑब्जर्व होते हैं वो चारों के चारों पैटर्न्स चार टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं। तो पहला इसमें जो पैटर्न हमारे को ऑब्जर्व होता है वो होता है हमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सबसे पहला जो ट्रांजिशन इसमें होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ओके। इसके बाद दूसरा जो इसमें ट्रांजिशन होता है वो होता है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इसी तरीके से तीसरा जो होता है वो होता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, और चौथा जो है इसमें एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ऑब्वियसली यहाँ पे जो स्टार चीज लिखी जा रही है वो स्टार का मतलब है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और जहां पे स्टार नहीं लगाया जा रहा है वो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहने का मतलब उन केसों में, उन केसेस में जहां पे कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपनी बॉन्डिंग स्टेट से एनर्जी ले करके एंटी बॉन्डिंग स्टेट में जंप कर जाते हैं, तो उस तरीके के ट्रांजिशंस हमेशा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस कहलाते हैं। और बच्चों इसके बाद अगर जो कुछ समझने वाली बात है तो वो ये है कि सिग्मा बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड जो होता है बहुत टफ बॉन्ड होता है, वो बहुत टाइटली हेल्ड बॉन्ड होता है। कहने का मतलब अगर उसको आप तोड़ना चाहते हैं तो उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। और इसी तरीके से इस ट्रांजिशन को अगर आप अचीव करना चाहते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड को तोड़ करके उसको एंटी बॉन्डिंग स्टेट में अगर आपको लाना है तो इसके लिए हाईएस्ट एनर्जी की जरूरत होगी, और ये हाईएस्ट एनर्जी जो है आप लोगों को उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन का नंबर आता है। एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन मतलब वहां पे जहां पे सिंगल बॉन्ड के अलावा कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया एन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके के ट्रांजिशंस जो होते हैं, इस तरीके के ट्रांजिशंस अचीव होते हैं मगर इनके लिए भी एनर्जी काफी रिक्वायर्ड होती है, तो इसके लिए हमने लिखा है हायर एनर्जी की जरूरत होती है इस तरीके के ट्रांजिशंस देखने के लिए। थर्ड केस में हम देख रहे हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, मतलब जहां पे पाई बॉन्ड है और उस पाई इलेक्ट्रॉन जो पेयर, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है उसको एक्साइट होना है, तो उसके लिए जो हमें एनर्जी होगी वो इन दोनों के केस से कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मतलब लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, ओके। फोर्थ वाला जो केस है, इस वाले केस में एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, कहने का मतलब यहां पे एक डबल बॉन्ड तो है ही, साथ साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल ये कार्बोनाइल ग्रुप, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों ये रहे और पाई बॉन्ड ये रहा, तो इस तरीके के जहां पे भी क्रोमोफोर्स आप देखेंगे वहां पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है, और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो वेरी लेसर एनर्जी विल रिक्वायर।
तो आप लोगों ने ये चार केसेस देखे, जिन चारों केसेस में लगने वाली एनर्जी को आप क्वांटिफाई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो हमारा टोटल रीजन 180 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर का है, जिसको हमने आपको यूवी और विजिबल का रीजन बोला है, इसमें जो सबसे लो वेवलेंथ का रीजन है वो सबसे हाईएस्ट एनर्जी का रीजन है, और जो सबसे हाई वेवलेंथ का रीजन है वो सबसे लोएस्ट एनर्जी का रीजन है। तो अगर हम कहें कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देखना है तो वो कहाँ मिलेगा, केवल 180 नैनोमीटर में मिलेगा। आप इसका एग्जांपल के तौर पे सी सी ये ईथेन का एग्जांपल आप इसके केस में देखें, ईथेन मॉलिक्यूल, अगर आप ईथेन मॉलिक्यूल को देखें तो उसको यूवी लाइट में देख पाना ही संभव है, और यूवी लाइट भी 180 तक नैनोमीटर तक की, मतलब 160 से 190 नैनोमीटर तक की जो लाइट होगी उसमें एनर्जी का काफ़ी अमाउंट होगा, और केवल वही अमाउंट इस सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ट्रांजिट कर पाने के लायक होगी, वही केवल कर पाएगी, अदरवाइज बाकी एनर्जी की लाइट, इसके मतलब लोअर एनर्जी की लाइट इसको ट्रांजिट नहीं कर पाएगी। तो ये हाईएस्ट एनर्जी की लाइट, मतलब 180 के नजदीक की लाइटें केवल क्या कर पाएंगी, इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को कॉज कर पाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, जो कि अभी हमने आप लोगों को बताया था, ये अमीन या फिर एनएच कंटेनिंग कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा आपको। तो ये इस तरीके के ट्रांजिशंस जो होंगे ये तकरीबन 180 से 200 नैनोमीटर के रीजन में, मतलब ये भी हायर एनर्जी के रीजन में ही देखने को मिलेंगे। इसके बाद जैसे ही आप पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में जाएंगे, ये वैल्यू थोड़ा सा बढ़ करके 200 से 250 या 300 तक के रीजन में ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस देखने को मिलेंगे। मतलब अगर आपके पास कंपाउंड इस तरीके का है जहाँ पे अनसेचुरेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप लोगों को जो वेवलेंथ ऑब्जर्व होगी बच्चों, वो वेवलेंथ किस रीजन में मिलेगी आपको, वो मिलेगी आपको पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में, या फिर 200 से 300 नैनोमीटर के अंदर आपको ये इन इस तरीके के कंपाउंड्स की मतलब ट्रांजिशंस देखने को मिलेगा। और फोर्थ जो केस है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, इसमें आपको बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मतलब इनके कंपैरिजन में बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, हालांकि ये एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है जो अभी लगने वाली है, वो एनर्जी तकरीबन 250 से ऊपर और 350 और उसके आगे तक जो है, जैसे जैसे उसकी यूनिट बढ़ती जाएगी, क्रोमोफोरिक यूनिट बढ़ती जाएगी, वो एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी और वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इतने नैनोमीटर में इनके ट्रांजिशंस जो हैं आपको ऑब्जर्व होंगे। तो आप लोग समराइज करने के लिए इस बात को एक एनर्जी डायग्राम या फिर एक तरीके से रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं कि किसकी एनर्जी आपको ज़्यादा लग रही है और किसकी एनर्जी कम लग रही है। आप लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो आप बता सकते हैं कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस हैं, इनमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको ग्रेटर का साइन बना करके एन टू सिग्मा स्टार की एनर्जी से, और ये ज़्यादा है पाई टू पाई स्टार की एनर्जी से, और ये ज़्यादा है सिग्मा एन टू पाई स्टार की एनर्जी से। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि चार तरीके के ट्रांजिशंस हमको देखने को मिलते हैं अलग अलग तरीके की क्रोमोफोरिक यूनिट्स के अंदर, और इनमें से सबसे लोएस्ट एनर्जी पे होने वाला ट्रांजिशन है एन टू सिग्मा पाई स्टार, और सबसे ज़्यादा एनर्जी में होने वाला ट्रांजिशन है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। हमने इसके लिए कहा है कि ये 180 नैनोमीटर के अंदर होता है, तो इसलिए इस रीजन को नियर यूवी रीजन या फिर बच्चों इसको वैक्यूम यूवी रीजन भी कहते हैं। इस क्वेश्चन को इसलिए लिखाया जा रहा है, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि वैक्यूम यूवी रीजन किसे कहते हैं, तो इस रीजन को जो है ना वैक्यूम यूवी रीजन कहते हैं। कहने का मतलब है कि इस रीजन में अगर आप किसी कंपाउंड का स्पेक्ट्रा चेक करना चाहेंगे तो वहाँ उस वाले केस में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड है उनकी भी पीक आनी शुरू हो जाएगी, इसलिए जो स्पेक्ट्रा देखा जाता है वो अक्सर 200 से ऊपर देखा जाता है, इस रीजन में अक्सर वो स्पेक्ट्रा नहीं देखा जाता है बच्चों। तो ये एक पहली बात थी जो आप लोगों को ध्यान रखनी थी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जो इसका आएगा वो हम लोगों को ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट पोर्शन मुझे इसका आप लोगों को समझाना है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन।
इंस्ट्रूमेंटेशन, तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसको कहाँ कंडक्ट करते हैं, उसके लिए एक विशेष तरीके का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज होता है, उसका नाम होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रो फोटोमीटर। ये इस मशीन का नाम है। इस मशीन की फोटोग्राफ आप लोग देखेंगे और आप लोगों को स्लाइड में दिख रही होगी, तो आप देखेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है एक बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप की मशीन बनाई गई है। हालांकि इसके अगर कंपोनेंट्स हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है हम लोगों को बहुत साधारण सा दिखने लगेगा। तो पहले मैं आप लोगों को मोटा मोटा जानकारी इसका दे देता हूँ, फिर इसके बाद एक स्केच हम लोग देखेंगे और समझ जाएंगे कि किस तरीके से बना हुआ है। तो मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ, हमें किसी सैंपल को यूवी विजिबल से एनालिसिस करना है, तो हमारे को एक चीज क्या चाहिए, सैंपल होल्डर चाहिए, जहां पे सैंपल रखे जा सके, एक प्लेस ऐसा चाहिए। दूसरी बात, हमें इसके ऊपर क्या डालनी है, लाइट डालनी है, क्योंकि ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और वही चीज हमें स्टडी करनी है। तो हमें इसके ऊपर क्या डालनी है, लाइट डालनी है। तो लाइट डालनी है तो लाइट कहाँ से आएगी, लाइट के सोर्स से आएगी। कहने का मतलब हमें जो एक पोर्शन, जो एक पार्ट चाहिए, वो चाहिए लाइट सोर्स, और एक चीज हमें क्या चाहिए, सैंपल होल्डर। और अगर तीसरी चीज हम इसके लिए देखें तो ये लाइट जो बाहर निकलेगी वो हमें इन्फॉर्म करेगी कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है। तो जो निकलने वाली लाइट है उसको स्टडी करने के लिए हमारे को क्या चाहिए होगा, डिटेक्टर सिस्टम। तो बच्चों आप अगर देखें तो ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इसको अगर हम तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स में तोड़े तो एक लाइट सोर्स होगा, एक सैंपल सोर्स सैंपल पोर्शन होगा और एक डिटेक्टर सिस्टम होगा। तीन तरीके से अगर हम तोड़ना चाहें तो हम ऐसे तोड़ सकते हैं। हालांकि इसमें एक दो क्लासेस और हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाइट सोर्स की। देखिए लाइट कौन सी इसमें यूज होगी, हमें पता है इस सैंपल को कौन सी लाइट से इरेडिएट करना है, 180 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर, मतलब यूवी विजिबल रीजन की लाइट में इसे इस सैंपल पे डालनी है। तो हमारे को ऐसा लाइट सोर्स चाहिए जो कि इस रीजन की लाइट को प्रोड्यूस करता हो, बहुत सीधी सी बात, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें जो भी सोर्सेस हो सकते हैं पॉसिबल, हम उन सबको कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल HG मतलब मर्करी वेपर्स होती हैं, जिस तरीके से आप देख सकते हैं ज़ीनोन लैंप कुछ यूज़ होते हैं, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं टंगस्टन लैंप इसमें यूज़ होता है। तो बहुत अलग अलग तरीके के सोर्सेज इसके लिए मतलब हो सकते हैं, प्रपोज हो सकते हैं। मगर दो चीज़ों की जानकारी या फिर दो चीज़ों का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए रखना कि इस लाइट सोर्स से जो निकलने वाली लाइट है उसमें दो बातें होनी चाहिए। एक तो वेवलेंथ, मतलब वो सोर्स ऐसा हो जो कि इस पूरे रीजन पे लाइट प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है, और मतलब वेवलेंथ रेंज, उसको इस रेंज पे लाइट प्रोड्यूस करनी है, ना कि केवल एक लाइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम लैंप की बात करें तो उससे निकलने वाली लाइट पीली लाइट निकलेगी, कहने का मतलब उसकी वेवलेंथ बहुत स्पेसिफिक 510 से 550 की होगी। तो ये लाइट हमारे को मिल तो रही है मगर ये लाइट एक रेंज में नहीं है, ये बहुत छोटी सी लाइट है, एक छोटे से रेंज की लाइट है ना। तो हमारे को ऐसी लाइटों से बहुत ज्यादा यूज नहीं है। तो हमारे को वेवलेंथ रेंज, जो हमारी रेंज है उसके अंदर पड़ने वाली लाइट सोर्स चाहिए। और दूसरी चीज हमारे को क्या चाहिए, वो लाइट जो होनी चाहिए इंटेंसिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, कहने का मतलब वो लाइट बहुत हल्की लाइट ना हो, बहुत मध्यम लाइट ना हो और वो फ्लक्चुएट ना करे, है ना। तो लाइट की इंटेंसिटी कैसी होनी चाहिए, हायर होनी चाहिए और वो फ्लक्चुएट ना करे। ऐसा नहीं है कि कभी तो धूप तेज आ गई और कभी धूप हल्की आ गई, अगर ऐसे आएगी तो सैंपल गड़बड़ हो जाएगा, सैंपल उसको याद ही नहीं रख पाएगा कि कभी कितना कितनी लाइट आई, कभी कितनी लाइट आई, आप समझ गए। अगर आपको मशीन में काम करना है तो मशीन के लिए ये सारी की सारी चीजें क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए। तो ये दो चीजें अगर आपके पास कहीं से भी जुगा मिल पाया तो आप इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद आप उस सोर्स को ओके कह सकते हैं। तो इसके लिए यूज होने वाले बच्चों जो लैंप हैं, जो इनके लिए सोर्स होने वाले लाइट सोर्स जो है,
वो बेसिकली कोई एक सोर्स ऐसा नहीं है जो कि इसको मतलब इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। जैसे कि अभी मैंने जीनोन लैंप के नाम लिया था आपके सामने, तो जीनोन लैंप जो होता है वो 200 से 1200 नैनोमीटर तक की लाइट प्रोड्यूस कर लेता है, इतनी बड़ी रेंज को प्रोड्यूस कर लेता है, मगर उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि वो इंटेंसिटी नहीं लेकर के आ पाता अपने अंदर। तो हमें इंटेंसिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको लाइट सोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारे पास दो तरीके के जो हम लैंप यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। एक तो हम टंगस्टन लैंप यूज करते हैं, टंगस्टन लैंप, ठीक है, और एक हम ड्यूटेरियम लैंप। तो ये दो तरीके के लैंप हम लोग यूज करते हैं, टंगस्टन लैंप और ड्यूटेरियम लैंप। टंगस्टन लैंप जो होता है ये 375 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ की लाइट को प्रोड्यूस करता है, 375 नैनोमीटर से कम। और ये जो ड्यूटेरियम लैंप है दिस प्रोड्यूस अबव, ये लेस देन 375 नैनोमीटर की लाइट को प्रोड्यूस करता है, जबकि 375 और उसके ऊपर की लाइट को ड्यूटेरियम लैंप से आप स्टडी करते हैं। इस तरीके से ये पूरे रीजन को स्टडी करने के लिए आपके पास हमारी मशीन में जो है, हमारा जो मॉडर्न जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो है दो तरीके के लैंप लगे हुए रहते हैं, एक लैंप उसमें टंगस्टन और एक ड्यूटेरियम लैंप लगा रहते हैं। अच्छा, अब देखिए इसको लाइट सोर्स तक, इसको सैंपल में पहुंचने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप लोगों ने इसको देख लिया, आप इसको अपनी कॉपी में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद अब आप देखें, आगे देखें कि लाइट सोर्स से लाइट प्रोड्यूस होने के बाद सीधा की सीधा सारी लाइट जो है ना सैंपल में नहीं डाली जा सकती। ये जो लाइट आ गई, इस लाइट को आपको पूरी लाइट की जरूरत नहीं है, आपको तो क्या है एक पर्टिकुलर लाइट की जरूरत है। याद करें लैम्बर्ट बियर लॉ में आपने क्या पढ़ा था, मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट। आपको क्या चाहिए, कोई एक वेवलेंथ सेलेक्ट करनी, क्योंकि आप इतनी सारी वेवलेंथ में एब्जॉर्बेंस नहीं देख सकते, आपको तो कोई एक वेवलेंथ में एब्जॉर्बेंस देखनी है। अब वो कितनी है वो आपको सैंपल टू सैंपल चेंज करना है, इसलिए आपको अलग अलग लाइट प्रोड्यूस करने वाला सोर्स चाहिए, मगर आपको सेलेक्ट केवल उसमें से अपनी स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही सेलेक्ट करना है। तो आप देखिए, आपका फॉर एग्जांपल आपकी 180 से 780 नैनोमीटर की लाइट प्रोड्यूस हो गई, मगर आपको उनमें से केवल 300 नैनोमीटर की लाइट आपने अगर वहां से बाहर निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी जो यूजलेस लाइट है उनको इधर उधर फेंक देना पड़ेगा और केवल अपनी रिक्वायर्ड लाइट को ही बाहर निकालना पड़ेगा, है ना। तो इस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक यूनिट लेनी पड़ेगी जिसका नाम दिया गया है मोनोक्रोमेटर यूनिट। क्या नाम दिया गया, मोनोक्रोमेटर यूनिट। मोनोक्रोमेटर मतलब जो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट को ही निकलने देगी, बाहर निकलने देगी, बाकी लाइटों को वो रोक देगी। तो आप आने वाली टोटल लाइट में से केवल एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को सेलेक्ट करने के लिए मोनोक्रोमेटर यूनिट से होकर उनको गुजारते हैं, ठीक है। इस मोनोक्रोमेटर यूनिट को समझने के लिए आप देखिए, इसमें तीन तरीके की मैकेनिज्म के थ्रू जो है ना मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस की जाती है। एक तो है ग्रेटिंग सिस्टम्स, दूसरा जो है इसमें वो है प्रिज्म, और तीसरा जो है रोटेटिंग मिरर सिस्टम। तो ये तीन तरीके के आप जो है इसमें यूनिट्स हो सकती है, तीन तरीके की यूनिट्स या फिर इनके कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो ये जो है ये सारी की सारी यूनिट्स जो है इसमें मोनोक्रोमेटर की तरह बिहेव करती हैं। ग्रेटिंग सिस्टम ऐसे सिस्टम हो गए जैसे नालीदार चादरें होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे ये हाथ हथेली में ये जो ग्रुप्स हैं इसको आप कह सकते हैं ग्रेटिंग सिस्टम। तो वो जो प्लेट होगी वो बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे उसमें, मतलब बहुत माइक्रो साइज या उससे भी छोटे नैनो साइज के जो है ना ग्रुप्स होंगे, और पड़ने वाली लाइट जब इन ग्रुप्स में पड़ेगी तो टकराने के बाद वो डिस्पर्स हो जाएगी, है ना। तो जब डिस्पर्स होकर के वो फैलती भी जाएगी तो हम उनमें से किसी भी लाइट को सेलेक्ट कर सकते हैं, आप देखिए, ठीक है ना। तो इसको ग्रेटिंग सिस्टम कहते हैं। दूसरी तरफ जो है ना प्रिज्म होगा। अब आप प्रिज्म में जब एक लाइट को डालेंगे तो प्रिज्म में पड़ने के बाद लाइट क्या होती है, डिस्पर्स हो जाती है, ये आप लोगों को पता ही है, ऑप्टिक्स का एक बहुत 10th लेवल 12th लेवल का एक्सपेरिमेंट होता है। तो लाइट जो है डिस्पर्स हो जाएगी तो फिर अगेन आप अपनी रिक्वायर्ड वेवलेंथ को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो हमने आपको बोला रोटेटिंग मिरर, वो रोटेटिंग मिरर इस तरीके के मिरर रहते हैं कि उसमें पड़ने वाली लाइट कुछ एंगल में डाइवर्स होती है, फिर एक दूसरे
मिरर से टकराती है, उनमें से भी कुछ लाइटें होंगी। तो कहने का मतलब वो दो तीन रोटेटिंग मिरर से घूमते घूमते आखिरकार केवल जो रिक्वायर्ड आपकी जो लाइट होगी केवल वही आपकी बाहर निकल पाएगी, बाकी सारी लाइटें जो है ना उधर ही घूमती रहेगी। तो ये तीन टेक्निक्स इन लोगों को यूज करनी होती है, जिसके बाद ये जो वेवलेंथ लाइट होती है वो आपकी डिजायर्ड लाइट होती है, इसको हम डिजायर्ड लाइट कहते हैं। ठीक है, तो आप मोनोक्रोमेटिक लाइट कैसे प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोनोक्रोमीटर यूनिट। इस बात को समझने के बाद अब हम लोगों को आगे बढ़ना है। देखिए जो लाइट हमने प्रोड्यूस की वो लाइट अब हमें कहाँ डालनी है, सैंपल में डालनी है। तो ये जो लाइट हमारी आती है अक्सर इसको सैंपल में डालने के लिए दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक होता है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और एक होता है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मतलब जहां पे सैंपल होल्डर केवल एक होगा, और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मतलब जहां पे सैंपल सिर्फ दो होंगे। ठीक है ना, तो ये दो दो सिस्टम डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहलाता है, और अक्सर आजकल जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन है उसमें डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ही यूज में लेकर के आते हैं, इसलिए सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को हम लोगों ने यहाँ से रब कर दिया। केवल मैं डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात कर रहा हूं। आने वाली जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मेटिक लाइट है, देखिए अब इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को दो जगह से पास होकर के जाना है, मतलब दो जगह भेजना है। तो हम इसमें से क्या करते हैं, 50% लाइट को कहते हैं आप इधर से जाएंगे, 50% लाइट को कहते हैं इधर से जाएंगे। कितनी परसेंट को, 50% को, क्योंकि कैलकुलेटेड अमाउंट यहां से आ रही है, उसमें से भी हाफ पोर्शन इधर और हाफ पोर्शन इधर चले जाता है। तो 50% लाइट जो है इधर से चली जाएगी, 50% लाइट इधर से चली जाएगी। अगेन इसका काम भी जो है ना रोटेटिंग मिरर्स की हेल्प से जो है ना किया जाता है। तो रोटेटिंग मिरर 50% लाइट को इधर भेज देंगे, 50% लाइट को इधर भेज देंगे। एक सैंपल होल्डर में केवल आपने रेफरेंस लिया हुआ है बच्चों, क्या लिया हुआ है, रेफरेंस लिया हुआ है, और दूसरे सैंपल होल्डर में आपने सैंपल लिया हुआ है। ठीक है, देखिए इन बात को भी समझना जरूरी है। आपने एक जगह केवल वो सॉल्वेंट लिया हुआ है जिसमें सैंपल को डिसॉल्व किया हुआ है आपने, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे, रेफरेंस कहेंगे। मतलब जिस भी सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में आपने अपने सैंपल को डिसॉल्व किया हुआ है उसको क्या कहेंगे, रेफरेंस कहेंगे, या फिर इसको ब्लैंक कहेंगे, इसको ब्लैंक भी कह सकते हैं। ठीक है, और जब सैंपल को आपने डिसॉल्व कर दिया तो वो सॉल्यूशन आपका सैंपल हो गया। तो आपके दो तरीके की चीजें इसमें एक साथ पुट कर ली गई है। ठीक है, अब देखिए यहां से जो लाइट आई तो इंसिडेंट लाइट अब ये हो गई इसमें, आई नॉट जिसे हमने कहा था पहले शुरू में स्टार्टिंग में, तो अब आई नॉट जो है दोनों जगह देखिए बराबर हो गई। अब जब ये लाइट इससे होकर के गुजरेगी तो हो सकता है इसमें ये जो सॉल्वेंट है कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, तो जितनी लाइट को यहां वाला सॉल्वेंट यूज कर रहा होगा वो वहां वाला सॉल्वेंट भी उतना यूज कर रहा होगा, क्योंकि सॉल्वेंट दोनों जगह डाला गया है और बराबर अमाउंट में डाला गया है, इसलिए इस सॉल्वेंट के कारण एब्जॉर्ब की गई लाइट क्या हो जाएगी, पता चल जाएगा कि कितनी लाइट ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब आप देखें कि इसमें जब लाइट होकर के पास होगी तो जो इंसिडेंट बीम थी और अब जो ट्रांसमिटेड बीम थी, हमें ट्रांसमिटेड बीम के बारे में पता चल जाएगा। यहां पर भी इंसिडेंट बीम और ट्रांसमिटेड बीम के बारे में पता चल जाएगा, मगर ट्रांसमिटेड बीम दोनों केसेस में अलग अलग होगी, क्योंकि यहां पे क्या है, सैंपल डाला हुआ है। अब चूंकि इसमें सैंपल है तो सैंपल इसकी सैंपल उतना तो एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा जितना ब्लैंक ने किया, मगर उससे ज्यादा सैंपल की जितनी अमाउंट है वो उतना और एब्जॉर्ब करेगा। तो सैंपल जो है इसको डेफिनेटली बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो निकलने वाली जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी। कहने का मतलब आई नॉट आई वन से आई टू जो हो जाएगा कम हो जाएगा। तो आप यूं कहेंगे इसको कि ये अमाउंट तो आनी ही थी बाहर, मगर इतनी आ रही है, मतलब कितना कम आ रहा है, मतलब आई नो आई वन से आई टू इतना कम आ रहा है, कहने का मतलब एब्जॉर्बेंस इतनी हुई। आप कहेंगे सैंपल ने इतना एब्जॉर्ब किया, एक बात तो ये क्लियर हो जाएगी जी बच्चों। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है जब यहां से निकलने वाली लाइट बाहर निकली तो आप लोगों को थोड़ा सा एक पॉइंट और देख लेते हैं कि ये जो सैंपल हमने होल्डर बोला, कहने का मतलब सैंपल का आपने सॉल्यूशन लेकर के जहां डाला उसका नाम हमने सैंपल होल्डर बोला, उस सैंपल होल्डर को भी कैसा होना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए कि वो आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब ना करे, बाहर निकलने दे, है ना, आने वाली लाइट उसके अंदर एब्जॉर्ब ना हो, मतलब क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो, आने वाली लाइट इस सैंपल होल्डर में एब्जॉर्ब ना हो, ट्रांसपेरेंट हो, मतलब बाहर निकल जाए,
ऐसे सब्सटेंस आपको इसमें छांटने हैं, मतलब ये होल्डर किस चीज से बना हुआ होगा, ऐसे मटेरियल से बना हुआ होगा जो कि यूवी और विजिबल लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट हो। देखिए विजिबल लाइट के लिए कौन ट्रांसपेरेंट होता है ये तो हमें पता है, ठीक है, कांच, जो कांच होता है वो यूवी विजिबल लाइट के लिए क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। मगर विजिबल लाइट, मगर यूवी लाइट के लिए जो ट्रांसपेरेंट होता है उसे क्वार्ट्ज कहते हैं। तो कहने का मतलब ये जो है होल्डर होगा ये क्वार्ट्ज का यूज होगा किसके केस में, यूवी लाइट के लिए, और विजिबल लाइट के लिए ग्लास का होल्डर बना हुआ होगा विजिबल लाइट के लिए, ठीक है। तो ये दो तरीके के होल्डर्स आपके होते हैं। इसके बाद बाहर निकलने वाली जो लाइट है बच्चों, ये लाइट दो अलग अलग डिटेक्टर सिस्टम्स में जाएगी। देखिए इसको पढ़ने के लिए एक अलग डिटेक्टर सिस्टम होगा और इसको पढ़ने के लिए एक अलग डिटेक्टर सिस्टम होगा। ये आने वाली लाइट को पढ़ करके एक डिटेक्टर सिस्टम बता देगा और दूसरी वाला डिटेक्टर सिस्टम इस लाइट को पढ़ के बताएगा। मगर आप लोगों ने देखा क्योंकि ज्यादातर लाइट तो एब्जॉर्ब हो गई, आप यहां से देख रहे हैं जो लाइट प्रोड्यूस होती है उसमें से मैक्सिमम लाइट को बाहर फेंक दिया, थोड़ी बहुत जो बेचारी लाइट बची थी उसको भी 50% कर दिया, बची हुई जो 50% लाइट आ रही थी उसमें से भी 99% तक लाइट जो है ना इसने एब्जॉर्ब कर ली। तो कितनी लाइट बची, बहुत थोड़ी सी लाइट बची। ये बहुत हल्की सी लाइट जब निकल रही है तो ये किसमें जाकर के पड़ रही है, डिटेक्टर सिस्टम में। अब उस डिटेक्टर सिस्टम का काम है ये पता करना कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई, मतलब कितनी लाइट उस तक पहुंची, जितनी उस तक पहुंची इसका मतलब कितनी एब्जॉर्ब हो गई, ये भी पता किया जा सकता है। तो उसमें आने वाली लाइट तो बहुत वीक लाइट है, तो उसका क्या काम है, उसको लाइट को एम्पलीफाई करना है ना। तो वो क्या करेगा, उसके इसके लिए यूज होने वाले डिटेक्टर सिस्टम अक्सर कौन से होते हैं, तो इसके लिए जो डिटेक्टर सिस्टम यूज होते हैं बच्चों उनमें एक डिटेक्टर सिस्टम का नाम आता है फोटोवोल्टिक सेल्स। इसके लिए यूज होने वाले डिटेक्टर्स का नाम आता है फोटो वोल्टिक सेल्स या फिर फोटो डायोड्स या फिर एक और होते हैं फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स। ये कुछ डिटेक्टर सिस्टम से कॉमनली यूज होने वाले जो कि यूवी विजिबल के लिए डिटेक्टर सिस्टम की तरह यूज होते हैं। आने वाली वेरी वीक जो इंटेंसिटी की लाइट होती है बच्चों, वो जैसे इन डिटेक्टर्स में पड़ती हैं, ये डिटेक्टर्स उस लाइट को, उस रेडिएशन को कन्वर्ट करके किसमें, डीसी करंट में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब रेडिएशन को ये क्या करते हैं, डीसी करंट में कन्वर्ट कर देते हैं, और यही करंट जो है ना पढ़ी जाती है आगे जाकर के, इसी को पता करते हैं, इसी को स्टडी करते हैं। तो मैंने क्या कहा आपको कि ये जो रेडिएशन इस तक पहुंची, ठीक है ना, वो तो लाइट की फॉर्म में थी। जैसे आप एग्जांपल लें कि सोलर एनर्जी जब आती है, सूरज की ऊर्जा जब आती है और जब वो सोलर पैनल में पड़ती है, तो सोलर पैनल उसको क्या करता है, लाइट में, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। वही काम यहाँ पे डिटेक्टर का है, डिटेक्टर पे आने वाला रेडिएशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये करंट जो है ना, ये करंट ऑब्जर्व की जाएगी किस तरीके से, जैसे कि करंट को ऑब्जर्व किससे करते हैं, आमीटर या इस तरीके के कुछ उससे किया जाता है। तो ये इसके लिए बाकी डायोड्स वगैरह लगे होंगे, वो इसको स्टडी करेंगे कि ये आने वाली करंट कैसी थी, ठीक है। तो आने वाली, पहले तो ये करंट जो इसके पास आएगी फोटोवोल्टिक सेल्स के पास, ये इसको एम्पलीफाई करेगी, और एम्पलीफाई करने के बाद आगे क्या करेगी, इसको रिकॉर्ड करवा देगी, रिकॉर्ड करेगी, और रिकॉर्ड किस फॉर्म में करेगी, इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रा। और इसका स्पेक्ट्रा जो है आपकी स्क्रीन में अभी आप लोग देख रहे होंगे कि इसकी स्पेक्ट्रा जो है आपकी स्क्रीन में एक ड्रॉ होगा, वो कुछ इस तरीके से हम्प के तरीके से स्ट्रक्चर इसमें ड्रॉ होगा। तो आपको एक स्पेक्ट्रा मिलेगा जो कि वेवलेंथ, एक्स एक्सिस में जहां वेवलेंथ और वाई एक्सिस में जहां एब्जॉर्बेंस होगी, इनके बीच में खींचा हुआ एक ग्राफ, इस तरीके से आपको एक स्पेक्ट्रा बच्चों मिलेगा जो कि डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में स्पेक्ट्रा जो है क्वांटिफिकेशन है। तो ये हमारे दो लेक्चर्स में हम लोगों ने डिटेल डिस्कस किया, हम लोग आगे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अगर इसमें यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप लोगों को जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी, अगर उसके हिसाब से हम इसमें कोशिश करेंगे कि कुछ वुडवर्ड फिशर जो कि इसके डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट है हम उसको भी डालें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मगर हायर क्लासेस में ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो जिस तरीके से भी रिक्वायरमेंट होगी, बहरहाल आपको इन दोनों लेक्चर्स को जो है ना बहुत बढ़िया तरीके से दो दो तीन तीन बार देख करके अपने दिमाग में बैठा देना है, और इसमें अगर कोई भी अपडेट्स होंगी तो वो हम उसके लिए एक लेक्चर और ड्रॉ करके बच्चों आपको विद एप्लीकेशन पार्ट के साथ भी आपको प्रोवाइड करेंगे।
तो बच्चों इसमें आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंटेशन देख लिया, इसमें डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आप लोगों को डिस्कस किया गया। नेक्स्ट है इसमें एप्लीकेशन पार्ट, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जब आपने ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है तो ऑब्वियसली बात है आपको पूछा जाएगा कि भाई आपने क्यों पढ़ी, मतलब इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं इन सबकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये स्ट्रक्चर इलूसिडिएट कराती है। मतलब कोई अननोन कंपाउंड अगर हमारे पास है और हम उनको स्पेक्ट्रोस्कोपी करें तो हमें पता चल जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, जिसको पढ़ने के लिए बहुत टाइम लगता था पहले, जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत टाइम लगता था, अब उसको बहुत मिनटों में हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को भी हम कुछ पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट हम लोगों ने देखा, इसके देखना चाह रहे हैं हम लोग इसके अंदर, उसको कह रहे हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, देखिए एक बात स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स की ये इन मशीनों की ये कि इसमें रिक्वायर्ड जो मटेरियल सैंपल होता है वो बहुत माइन्यूट अमाउंट में होता है। कहने का मतलब 1 माइक्रोग्राम, 1 नैनोग्राम या इससे भी छोटी अमाउंट में जो है ना आपको मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। तो ये तो इसकी खैर खूबसूरती है ही, मगर फर्क कभी कभी अगर आपको ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके पास सैंपल बहुत कम है तो तब आप क्या करेंगे, उस केस में आप केवल इन मशीनों में ही रिलाई कर सकते हैं। ये मशीन क्या करेंगी, आपको बहुत माइन्यूट अमाउंट को भी क्वांटिफाई करके बता सकती है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा, आपने अभी देखा ए इजिकल टू ई सी एल, इसके लिए एक फॉर्मूला लैम्बर्ट बियर का लॉ था, जिसमें आपको पता है ए एब्जॉर्बेंस है ना, और सी कॉन्सेंट्रेशन है। तो आप लोगों को पता है कि एब्जॉर्बेंस और कॉन्सेंट्रेशन का दोनों से प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। तो इस तरीके से आप इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पोर्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इसका क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन इसमें देखा जाना चाहिए वो इसका क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन है। ना केवल ये बताता है कि इसकी क्वांटिटी कितनी है सैंपल की, ये भी बताता है कि सैंपल कौन सा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 अलग अलग सैंपल हैं जो कि देखने में तकरीबन एक जैसे हैं, जिन्हें पानी में घोला जाए तो सब घुल जाए। अगर हमें इसके बावजूद ये डिफरेंस करना है कि कौन कंपाउंड कौन सा है, और मेरे को पता है इनमें से कोई एक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल हमारे रिक्वायरमेंट का है बेंजोइक एसिड है या फिर कोई भी कंपाउंड है जिसको हम जानते हैं, तो उस कंपाउंड को हम क्या करेंगे, यूवी के थ्रू डिटेक्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, हम हर कंपाउंड का क्रोमोफोरिक यूनिट अलग अलग होती है, इस बात को पहले ही पढ़ चुके हैं। अब क्योंकि क्रोमोफोरिक यूनिट अलग अलग होती है तो उनकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ में एब्जॉर्बेंस दिखाई देगी। तो अगर मेरे पास कंपाउंड ए बी सी डी है और मेरे को इसकी वेवलेंथ 270, 230, इसकी 275, इसकी 320 और इसकी 390 मिल रही है, तो मैं इनमें से जो मेरा अपना कंपाउंड है जिसको मैं आइडेंटिफाई करना चाह रहा था उसकी वेवलेंथ को रेफरेंस से देख करके फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मुझे जो कंपाउंड चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल मुझे मेटफॉर्मिन चाहिए कोई कंपाउंड, तो मेटफॉर्मिन कंपाउंड जो है उसकी एब्जॉर्बेंस मैक्सिमा कहाँ पे आती है, 275 में आती है। तो फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड जो हो जाएगा बी वाला कंपाउंड जो है हमारा मेटफॉर्मिन हो जाएगा, मतलब मुझे उसके लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इससे पता कर सकता हूँ कि मेरी क्रोमोफोरिक यूनिट किस में अवेलेबल है, किस में प्रेजेंट है। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका बच्चों, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसमें ध्यान रखने वाला वो ये है कि इससे आप लोग इम्प्योरिटीज का पता कर सकते हैं, इम्प्योरिटीज डिटेक्शन। देखिए इम्प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आपको कभी भी किसी दवाई के अंदर ये पता करना है कि क्या इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी या अशुद्धि तो नहीं है, तो वो बहुत जरूरी टास्क है, क्योंकि आप लोग कभी भी इम्प्योरिटी को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि दवाई खाने से जहाँ कुछ हेल्थ बेनिफिट्स होंगे वहाँ उसकी इम्प्योरिटी खाने से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो आपको देखना है कि क्या आपका जो ये पदार्थ है, जो ये मेडिसिन है, ये अपने आप में शुद्ध है या नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं तो कंपाउंड का स्पेक्ट्रा ऐसा आता है, ठीक है। अगर कभी कंपाउंड का स्पेक्ट्रा फॉर एग्जांपल ऐसा आ जाए तो इसमें क्या होगा, इसमें तो एक लैम्डा मैक्स है, मतलब एक कंपाउंड है, इसमें 2 लैम्डा मैक्स है, मतलब 2 कंपाउंड है। कहने का मतलब अगर कंपाउंड बहुत ट्रेस अमाउंट में भी कोई इंप्योरिटी है कंपाउंड के अंदर, तो उसके लिए भी एक एडिशनल पीक आएगी, जिसको देख करके आप लोग कह सकते हैं कि भाई ये कंपाउंड जो है ना प्योर नहीं है बिल्कुल भी। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद तीसरा जो इसमें जो इंपॉर्टेंट फीचर इसका है, चौथा जो इंपॉर्टेंट फीचर बच्चों इसका है,
वो इंपॉर्टेंट फीचर है जैसे सिस और ट्रांस आइसोमर्स के बीच में, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बीच में डिफरेंस पता करने के लिए। देखिए आप कभी भी सिस और ट्रांस आइसोमर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक बल्केर ग्रुप इस तरफ, एक बल्केर ग्रुप इस तरफ, एक स्मॉल ग्रुप इस तरफ, एक स्मॉल ग्रुप इस तरफ, इस तरीके से आप सिस और ट्रांस आइसोमर्स पहचानते हैं। इसको सिस कहते हैं और इसको ट्रांस कहते हैं बच्चों, ठीक है। अगर ये दोनों बल्केर ग्रुप एक साथ हैं तो इनका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा लैम्डा मैक्स थोड़ा कम आएगा, कहने का मतलब विल बी लेस, ठीक है, और इनका हायर आएगा। ये भी एक स्टडी है जो कि इनके बीच कंडक्ट करी गई है और इससे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड सिस है और कौन सा ट्रांस है अगर हमारे पास दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। तो बच्चों ये कुछ डिफरेंसेस इनके बीच में है, सिस ये इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, ये पार्ट हमारे चार पार्ट ये यहाँ से डिस्कस होते हैं। इसके अलावा ऑथेंटिकेशन वगैरह भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनको हम लोग देखें तो वो बहुत फोर्सफुल टेक्निक है, और जो पुरानी जो कन्वेंशनल हमारी टेक्निक्स थी वो आज इन मशीनों की हेल्प से, इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स की हेल्प से तकरीबन ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। अब कोई भी उन पुराने तरीकों से कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन नहीं करता, सब लोग अब जो हैं इन मशीनों में रिलाय करते हैं। कारण ये भी है कि इनमें एक तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, और दूसरी सबसे बड़ा फीचर यह है कि ये बहुत टाइम सेव करते हैं, टाइम सेव करते हैं, हमारे रिसोर्सेज सेव करते हैं, हमें इतना सारा केमिकल वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों इसमें फीचर्स हैं। बहरहाल आप लोगों को जो मैंने दो लेक्चर्स में ये पूरा डिस्कशन किया है, आप लोग इसको बहुत थॉरली पढ़ेंगे और जहां पे भी रिक्वायरमेंट होंगी, अगर आपके कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप लोग क्या है मुझे मेरी ईमेल आईडी में इसको बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि टाइम टू टाइम आपके मतलब एटलीस्ट इंडिविजुअल ना हो पाए तो कुछ कॉमन तरीके से आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगी मैं उसको मतलब उसके आंसर करने की, सोल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। मेरी ईमेल आईडी है बच्चों alok_mai@readyfmail.com। थैंक यू सो मच बच्चों।